मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आमतौर पर किडनी, हार्ट, हड्डी ऐसे अन्य इलाजों के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, मगर अब मुमरा कौसा के रहमा फाउंडेशन की तरफ से रहमा पॉलीक्लिनिक डेंटल एंड डे केयर सेंटर का दूसरा ब्रांच खोला गया है, जहां लोगों को सस्ता इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये क्लिनिक शमशाद नगर गणेश भवन शॉप नंबर 13 में खोला गया है। क्लिनिक में लगभग सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजिट करेंगे, हार्ट के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर, जनरल सर्जन, जनरल मेडिसिन, बच्चों के डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल, महिलाओं के रोग के लिए विशेष डॉक्टर होंगे। रहमा फाउंडेशन की तरफ से मौलाना सलामतुल्लाह नजवी और हाफिज लुकमान अहमद ने बताया है कि इस क्लिनिक का खोलने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की ये मदद कर सके। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि जिन डॉक्टरों की फीस दूसरे हॉस्पिटलों में 500 से 700 रुपए है, उन्हीं डॉक्टरों की फीस रहमा फाउंडेशन के द्वारा खोले गए क्लिनिक में सिर्फ 250 रुपए होगी। साथ ही डिलीवरी के खास पैकेज हैं। नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो दवाइयों के साथ 15,000 रुपये के पैकेज हैं। अगर रहमा क्लिनिक किसी भी मरीज को किसी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है तो लगभग 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। कल रहमा क्लिनिक की ओपनिंग के बाद मौलाना सलामतुल्लाह नदवी साहब और हाफिज लुकमान अहमद साहब और मौलाना वहाब कासमी साहब और क्लिनिक की जिम्मेदारी संभालने वाले मोइज ने क्या कुछ इस पूरी जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। जी, मेरा नाम मौलवी सलामतुल्लाह नदवी है और हमारी जो खिदमात है ये रहमा फाउंडेशन के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो रह जी नहीं, ये सिर्फ जी जी सिर्फ डेंटल क्लिनिक नहीं है, ये पॉली क्लिनिक है। इसमें तमाम अकसाम की जो खिदमत है इस लाइन से, मेडिकल लाइन से, वो तमाम खिदमत इसके अंदर अंजाम दी जाएगी। और एक किस्म का जो है ये पूरा डे केयर है इसमें, यानी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा आधे दिन के लिए, एक दिन के लिए हम एडमिट भी करेंगे इसमें। और इसमें OPD भी है, डेंटल भी है और मुख्तलिफ लाइन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं डेंटल के अलावा, वो इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे और बहुत ही मामूली उस पर कुछ रकम पर इंशाल्लाह वो खिदमत यहाँ पर अंजाम दी जाएंगी। और हड्डी के बच्चों के जी इंशाल्लाह डेंटल के लाइन की भी महिला डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी और दूसरी लाइन की भी महिला डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर औरतों के लिए उनके अपने एतबार से भी पूरा उसका लिहाज रखा जाएगा और मर्दों के एतबार से भी। इसमें हमारे जो ख़ास तौर पे ये जो मोइस भाई है, ये चूँकि मेडिकल लाइन से बहुत पहले से वाबस्ता हैं और मुमरा कौसा के अंदर जितने जो बाहर के भी जो डॉक्टर आते हैं, चाहे वो थाना से आते हों या बॉम्बे से आते हों, उनसे इनके पर्सनल रवाबित हैं। और हमारे लिए जो है जो यानी इसका समझो पूरा इस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका, तो हमारे हाफिज़ साहब पूरा तैयार करते हैं पूरी, माशाल्लाह इनको अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी है। और उसके बाद डॉक्टरों को यहाँ पर मुहैया करवाना, उनसे खिदमात के लाइन से या और जो कंसेशनल रेट पर जो है दूसरे हॉस्पिटल से बात करना, उनके साथ में टाई अप करना, वो जो टेक्निकल सारी मसरूफ यानी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मोइज़ भाई हमारे संभाले हुए हैं। हमारे हाफिज़ साहब भी थोड़ी सी जो है इस लाइन की क्या यहाँ पर खिदमत और अंजाम दी जाएंगी वो भी बताएंगे। और इंसानियत की फलाह और बहबूद और खिदमत के जज्बे से यहाँ पर सारा काम होता है। इसमें किसी किस्म का कोई इनकम का यहाँ पर कोई किसी की कमाई नहीं है, ये एक ट्रस्ट के तहत चलता है जो रहमा फाउंडेशन है और एक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये। और इसमें खिदमत जो है बिल्कुल लिल्ला फिल्ला सारी की सारी अंजाम दी जाती है। मेरा नाम लुकमान अहमद है। इस्लामुद्दीन भाई, इसमें जो है हम लोगों ने जब ये कोविड का इब्तदाई दौर था बिल्कुल कुछ काम शुरू किए थे अपनी मस्जिद से, जिसमें एक छोटी सी चैरिटेबल क्लिनिक थी जिसमें 25 रुपए में दवाइयाँ दी जाती थी। फिर उसके बाद उसके कुछ महीनों के बाद ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हमारा अपना इलाका अक्सर जो है इसमें मुतमव्वल लोग, मालदार लोग ज़्यादा नहीं रहते बल्कि कम मालदार लोग रहते हैं। तो उस एतबार से हमने अपनी रहमा मस्जिद पर, मुंबरा में जो रहमा मस्जिद है बाजार रोड में, वहाँ पर हमने एक पॉली क्लिनिक खोली 13 फरवरी को 2022 को।
अब उसी की एक ब्रांच है ये, उसका एक्सटेंशन है ये। हमारे यहाँ जो आपने पूछा था कि खिदमात क्या क्या हैं, उसमें हार्ट के भी डॉक्टर आते हैं, जनरल मेडिसिन भी हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन हैं, गुर्दे के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, यूरोलॉजी और फिजियोथेरेपी, डेंटल और गैनिक भी हैं। अल्लाह का शुक्र है। मोहित भाई, क्लिनिक के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? खासतौर पर जो मुंबा कोसा के लोग हैं वो कम से कम पैसों में इलाज जो है कराना चाहते हैं, तो ऐसे में इसमें पैसों का खर्च लेकर जो है क्या फैसिलिटी यहाँ पर? हमारे पास यहाँ जो है सारे फैकल्टीज़ के डॉक्टर हैं, जैसे सर्जन हैं, फिजिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, और भी बहुत से जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे जो है बहुत से हॉस्पिटलों में जो बात करके रखी है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो पेशेंट को अगर एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, एडमिट किया जाता है, तो वहाँ पर हम जो है मैक्सिमम उनको जो है 25% तक डिस्काउंट अवेलेबल करवाएँ। उसके अलावा यहाँ पे हमने जो इन हाउस लैब फैसिलिटी भी रखी हुई है, जहाँ पे है ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, ये सब फैसिलिटीज़ दी जाएगी, उसमें भी हमने जो है मैक्सिमम 40% तक उनको जो है डिस्काउंट किया जाएगा उन बिलों पे। और जितनी भी ओपीडीज़ हो रही है, जो डॉक्टरों की फ़ीस है, वो सारी जो है हमने चैरिटेबल रेट्स में रखी हुई है। रहमा फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से हाफिज लुकमान साहब की क़ियादत में चल रहा है, और इस फाउंडेशन के तहत बहुत लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, कभी राशन के ज़रिए से, कभी खाने के ज़रिए से। अभी तो माशाल्लाह पॉलीटेक्निकल क्लिनिक उन्होंने कर दिया है, जिसमें मरीज़ को 40% तो डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि अगर किसी डॉक्टर की फ़ीस 500 रुपया है, तो यहाँ 250-300 में हो जाएगा। और दवाएं और चेकअप वगैरह जो भी हैं, जैसे खून की जांच है, पेशाब की जांच है, अगर मार्केट में 200 रुपया लगता है, तो यहाँ इंशाअल्लाह लजीज़ 100 रुपये में काम होगा। इस फाउंडेशन के तहत, इस ट्रस्ट के ज़रिए से इंशाअल्लाह लजीज़ मुंबरा के लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग अपना इलाज कराना चाहते हैं वहाँ आएँ, इंशाल्लाह यहाँ तजुर्बे के डॉक्टर रहेंगे, उनका इलाज कायदे से होगा।